आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ बुधवार को ब्यावर प्रवास के दौरान शाम के समय डाक बंगले पहुंचे। डाक बंगला पहुंचने पर कांग्रेसजनों ने उनका माला विसाफा पहनाकर स्वागत किया। डाक बंगले में उपस्थित कांग्रेसजनों से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में नए जिले बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है और वह कमेटी अपना काम कर रही है। शीघ्र ही कमेटी अपना काम पूरा करके अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। ब्यावर को जिला बनाने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि यह मांग वर्षों पुरानी है और प्रदेश में नए जिले बनाने बाबत प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत का ज्यादा ध्यान है। उन्हें जानकारी है कि कौन सा जिला बनने योग्य है। इसके सार्थक परिणाम शीघ्र ही जनता के सामने होंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राठौड़ ने बताया कि कांग्रेस सरकार की ओर से शुरू की गई निःशुल्क दवा योजना तथा चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की देश ही नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों में भी सराहना की जा रही है। उक्त योजना के चलते प्रदेश में गरीब से गरीब तबके के व्यक्ति का उपचार निःशुल्क किया जा रहा है और चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार के सदस्य को 10 लाख रुपए का बीमा हो रहा है। राठौड़ ने प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना का पुनः लागू करने के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इससे सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। राहुल गांधी की यात्रा के सवाल पर राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में उनकी यात्रा को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां की गई है। डाक बंगले में इस दौरान कांग्रेस नेता पारस पंच, सोहन मेवाड़ा, देवकरण शर्मा, डॉक्टर एस सी जैन, दलपतराज मेवाड़ा, सभापति गोविंद पंडित, रमेश यादव, रामेश्वर मेवाड़ा, शैलेश शर्मा, विजय पारे, कमला दग्दी, संपत्ति बोहरा, घनश्याम फुलवारी, भूपेंद्र पंवार, बाबूलाल पंवार, बी आर सेन, सोमदेव साहू, मेघराज बोहरा, अजय स्वामी, अशोक रांका तथा मगन कुमार सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे। बनाने की एक कमेटी बनाई हुई है जी, वो कमेटी अपना काम कर रही है और ब्यावर की तो बरसों पुरानी मांग जो चली आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को सारी इन हालात का, कौन कौन से ज़िले की मांगें हैं, कौन सी मांगों का कितना वाजिब है, तो उसमें बहुत जल्दी ही आपको मिलेगा कि जो कमेटी रिपोर्ट देगी जिला बनाने की, वो कमेटी जो रिपोर्ट के आधार पर जिलों की घोषणा भी होगी। सर आज अजय माकन एडवाइजरी जारी की हुई है, तो इस बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे कि हमारे जो पार्टी के जो संगठन महासचिव है श्री वेणुगोपाल जी, उन्होंने एडवाइजरी जारी की हुई है, तो इस विषय में हम इस बात की पूरे प्रदेश की जनता में 7 करोड़ जनता, मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुश है। 10 लाख का जो बीमा, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये तो न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया में 200 कंट्री से ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ से सूचीबद्ध देश है। मैं नहीं समझता, मेरी जानकारी के मुताबिक जो राजस्थान की योजना है मेडिकल की, वो योजना पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं है। और इस बात की मुख्यमंत्री जी ने अभी जब प्रधानमंत्री आए थे मानगढ़ पांचवाड़ा में, तो वहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने मांग करी